हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास रतन ज्योत, और ये रतन ज्योत जो होती है बहुत ही अच्छी होती है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो आज हम जो ऑयल बनाने जा रहे हैं, ये आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाएगा और बालों का झड़ना कम करेगा, और जो आपके वाइट हेयर्स हो गए हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके की रतन ज्योत होती है, और ये लकड़ी की तरह होती है, ब्लैक लकड़ी की तरह, और ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप में मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप इसको ऑनलाइन ना खरीद के आप पास की शॉप से खरीदिए, आपको सस्ती पड़ जाएगी। और 10-20 रुपए की रतन ज्योत भी बहुत है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो रतन ज्योत है ये ओनली 20 रुपए की मैंने ख़रीदी हुई है, और ये बहुत ही यूज़फुल है आपके पैरों के दर्द के लिए, गठिया के दर्द के लिए, और आप अगर कोई जल जाता है तो उसमें भी ये बहुत काम आती है। तो आज हम जो ऑयल बनाने वाले हैं उसको हम बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, और बाउल आप कोई सा भी ले सकते हैं या फिर कोई आप डिब्बे ले लीजिए। उसमें मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल ऑयल यू ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। तो इस ऑयल को आपको जितना बनाना है उतना ले लीजिए। उसके बाद इस लकड़ी के छोटे टुकड़े करके इसमें आप डाल दीजिए। तो इसका जितना आप पतले से बुरादा डालेंगे उतना ही ये फ़ायदेमंद रहेगा, और आपका जो ऑयल है वो अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें डालने के बाद इसमें आपके जो ऑयल में कलर आएगा वो रतन ज्योत का गुण होगा, जो आपके बाल को सिल्की एंड सॉफ्ट बनाएगा, और आपके बाल जो वाइट बाल हैं उनमें भी निजात दिलाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसके जो टुकड़े कर करके इसमें डाल दिए हैं। और अगर आप इस ऑयल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें कलौंजी के थोड़े से बीज डाल दीजिए, ये भी आपको पंसारी की शॉप पर ईज़िली मिल जाएंगे। तो ये मैंने आधी चम्मच बीज लिए हैं, और ये मैं इसमें डाल दूँगी कलौंजी। तो ये भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बालों को काला बनाने के लिए, बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको इस तरीके से हिला के आप या तो इसको 3-4 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, या फिर आप इसको डबल बॉयलर करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बादाम का तेल, तो अगर आपको ऐड करना है तो कर लीजिए, वरना अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा ऑयल है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं डबल बॉयलर की हेल्प से इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तो आप इसको डायरेक्ट फ्लेम पे ना पकाएं, हमेशा पानी, जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक फ्राई पैन में पानी गर्म कर लेना है, और जब आपका पानी गर्म हो जाए तब आप उसमें ये बाउल रख दीजिए, और इसको धीरे धीरे पकने दीजिए हल्की आँच पर, मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, कटोरी वगैरह, और इसको थोड़ा चलाते रहिए, इस तरीके से हिलाते रहिए, तो आपका जो ऑयल है वो बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से चलाना है, और कुछ मिनटों बाद, यानी कि 10-15 मिनट आपको इसको इस तरीके से रखे रहने देना है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो ऑयल है रेड कलर का हो गया है। तो रतन ज्योत के जो सारे गुण हैं वो इस ऑयल में आ चुके हैं, और ये जो ऑयल है हमारा बनकर रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फिर हम इसको एक बर्तन में छान लेंगे। छान के क्या होगा, इसकी जो गण हैं वो निकल जाएंगे, और जो रतन ज्योत बची है आप इसको जलने में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जल जाता है तो उस पर भी लगा सकते हैं, निशानों पर भी लगा सकते हैं, निशान इससे हट जाते हैं। अब मैंने इसको एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है, इससे ईजिली आपके बालों में ये ऑयल लग जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इससे आपके जो वाइट बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।